भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर में प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग का मंडल स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी विचारधारा और कार्यों को समाज के सामने रख सकते हैं और यह अपनी बात रखने का सशक्त माध्यम है। बैरसिया में भाजपा ने नगर मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों में भाजपा की पंच निष्ठाएं पहुंचा सकते हैं, जिससे भाजपा की विचारधारा, कार्य और सरकार की उपलब्धियां बताई जा सकती हैं। नेहा बग्गा ने कहा, सोशल मीडिया संपर्क का सशक्त माध्यम है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया संवाद और संपर्क का सशक्त जरिया बनता जा रहा है। उक्त कार्यकर्ता इस माध्यम का लाभ उठाते हुए लोगों से जुड़े और संगठन व सरकार की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। आप मुझे बताइए कि हवा सबसे शक्तिशाली है या आग सबसे शक्तिशाली? शक्तिशाली होने की कोई परिभाषा नहीं। और अंत में मैं अपनी बात एक दो चीजें कहकर अंत करूंगी कि जरूरी है कि जिस तरीके से एबीसीडी की योजनाओं की मैं बात पहले कर रही थी, आप सभी कार्यकर्ता कोई ऐसा माध्यम बना ले, वो गाना हो सकता है, वो एबीसीडी अल्फाबेट हो सकता है, वो 1 2 3 4 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ए से आत्मनिर्भर भारत, बी से बेटी बचाओ, ओ से वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन पेंशन, एस से स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे करके ए से जेड तक अगर आप बना लेंगे तो आपको मोदी जी के द्वारा, शिवराज जी के द्वारा चलाई गई योजनाएं जो है न केवल याद रहेंगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।